मेरे कुछ फॉरेनर दोस्त आ रहे हैं, तो वो फॉरेनर दोस्त मेरे भी पहुंचने वाले हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो दिखाना चाह रहा हूँ कि इन केस अगर डील कैंसिल होने वाली होगी तो मैं ये कर सकता हूँ उनके लिए, समझ गया? जो शिपमेंट है ना उसके लिए हमें चाहिए आप लोग की जरूरत। तो मैं अपडेट देनी थी मैंने, ठीक है आते हैं मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं अभी आऊंगा साथ। ना 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 ओए, एक कॉन्ट्रैक्ट तूने साइन किया, बाप बनके तू आगे आया अपनी टीम के आगे से। अनु कसाई के बिल्कुल सामने वाले प्लेटफॉर्म के अंदर खड़ा हूं। कितने साल की वफादारी थी आपकी डीके के साथ? डीके ही मेरे साथ थी, मेरी उसके साथ। अरे अरे अरे, देखो बात सुनो, मेरी बात सुनो, कौन सी डील हुई है, किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। मार्शल लॉ का प्रोसेस क्या है और उसमें होता क्या है, मुझे प्रोसेस जरा बता। मत कर। गबरू की वजह से तेरा पैसा भी डूबेगा, सही लोग भी अभी लेके चलो आते हैं। सर पीछे हो जाए। के सॉरी यार, काम में थोड़े चेंजिंग्स आ गए। क्या हो गया बताओ जरा, मसला तो बताओ यार। वो जहाँ से हमने माल पिक करना था, कहने के मतलब है हमारा अपना ही बंदा सांप निकला, माल शाल लेके सारा जो है ना वो गबरू लेके फरार हो चुके हैं यहाँ से। कहने के मतलब है कि हमारे पीछे मत आइयो। देख 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 देख, मैंने तुझे बताना था। भाई मेरे मेरे पीछे आने की कोशिश ना करियो, ठीक है? नहीं तो तेरे कभी पलट के भी नहीं आएगा मेरे पास। बोले कोई नहीं। हाँ किधर है ये तो मुझे पूछना चाहिए तुझे। काली पहाड़ी के पीछे लोकेशन देना। काली पहाड़ी के पीछे गुंदार नगर कस्टमर आ गया है, उनको माल बेचना है, 400 मिलियन में ले रहे हैं वो लोग। 600 मिलियन का माल तो 400 में बेच रहे हो, पागल वागल तो नहीं? अबे जाने देना ब्रो, जाने दे, मार देगा यार वो बंदा, तो पागल तो नहीं? अबे तो तूने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना, तू गायब हो जा। नहीं गायब क्यों भाई, मेरा हिसाब है मैं गायब हो जाता हूं। काली पहाड़ी के पीछे खुंदार नगर आ जा। बातें सुन रहे हैं, अपनी तरफ से बना रहे हैं, काली ने कैमोफ्लेज होना चाह रहे हैं। लेकिन अगर इसने दो नंबर करने की कोशिश की, ये देख। हां कौन है भाई? ठीक है। हां बोल। आज तू बाप बन रहा है, कल तू बाप नहीं बन पाएगा। आज तू पैसे खा लेगा, कल तक नहीं खा पाएगा। दिमाग से सोच ना, पकड़ते हैं दोनों मिलके गबरू को। ओके कोई मसला नहीं, सही है। कॉन्ट्रैक्ट तेरे नाम का साइन हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट तो हमने वैसे ही फॉर्मेलिटी नहीं थी मेरी जान, तूने कॉन्ट्रैक्ट के नीचे पढ़ा था इसमें भी कोई उल्टी हरकत करी उस पर। इसका मतलब बिल्कुल ऐसी जगह से मारूंगा तो जिंदगी भर याद रखेगा। बेशक मुझे दूसरी फैमिलीज को भी पैसे देके मदद के लिए चाहिए होंगे ना, तेरी मारने जरूर आऊंगा। ठीक है, मैं गबरू को भी बताता हूँ कि डीके ने जो है तुझे धमकी दी, माल हम रखे सारा पे। नहीं कॉन्ट्रैक्ट तो तेरे नाम का सर चढ़ गया कॉन्ट्रैक्ट। मैं थोड़ी ना तू बाप बन के आया था बेंच, मेरे एल पे डील है कैंसिल, सारा माल हम बेच रहे सस्ते में। गबरू मुझे अभी डीके की कॉल आई है, वो तो बैंक ऊपर से पढ़ रहा है, वो कह रहा है गबरू देखो हमारा अब दुश्मन एक ही है, कहता है कि भाई हम मिलके जो है गबरू को टेक डाउन करते हैं और माल मैं तुझे ज्यादा कट देता हूँ। मैंने कहा भाई ऐसा मैं नहीं कर सकता, तो अभी मुझे तो लोकेशन दे, वहाँ पे आते हैं, इसका माल सस्ते हैं बेचते हैं चले। और आगे से धमकी दे रहा है, मैंने सबको इकट्ठा कर लेना शहर में, इस वक्त जो है उनको मैं ज्यादा माल खिला दूंगा और तुम्हारी मारेंगे। मैं चल भी निकल गया, कहने का मकसद है हम बिके नहीं, इसलिए बहन शराफत से लोकेशन दे ताकि वहाँ पे गुंदान नगर आ, गुंदान नगर लोकेशन दी ना कुत्ती के, मैं गुंदान मुझे क्या पता यहाँ पे। सुन मेरी बात, अच्छू कसाई का पता? ये नहीं पता मुझे। नाड़े वाली गली। हाँ वो किधर? हाँ नाड़े वाली उधर पहुँच, जारबुंद वाला उधर एक खड़ा होगा लड़का। ठीक है नाले वाली गली। हाँ गुंदान नगर जाना है उसको, बोल गुंदान नगर जाना। वहाँ से रक्षा ले के सीधा पहुँचेगा तू डीके के टावर। ठीक है उधर से पूछ महमूदाबाद किधर है। ठीक है ओके मैं पहुँच। वहाँ से जाके टैक्सी लेनी है पूरी, सुन वहाँ से कोड़े वाला राउंड अबाउट आएगा, उधर से लेफ्ट लेना है। पक्की बात है लेफ्ट या राइट? हाँ लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट लेते ही अनु कसाई के बिल्कुल सामने वाले प्लेटफॉर्म के अंदर खड़ा हूँ मैं। पक्की बात है वहीं खड़े? हाँ वहीं वहीं वहीं। उससे आगे टैक्सी तो नहीं लेने? नहीं 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 उसके आगे नहीं लेने, स्टार्ट लाइन से नहीं। चलो ठीक है ओके ओके। भाई मुझे तो बिल्कुल समझ आ गई है, ठीक है पहुंचो तुम लोग। अच्छा पीछे उतरो, मुझे बैठने दो, गोदी में तो ले, गोदी में ले। वो आ गया, वो आ गया, आ गया। कार से बाहर कोई चीज मिल जाए ऐसे ही होता। लोकेशन ले पहुंच यार, यार अल्लाह की कसम नहीं दे रहा ये तू समझ रहा है, वो हमें लोकेशन नहीं दे रहा, हमें एड्रेस बता रहा है लेकिन लोकेशन नहीं दे रहा। मुझे पता है, मुझे पता है सबर तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितनी देर तक ये ड्रामे कर सकता है। उसको बोलो पहुंच गए हैं, किधर रुक? गबरू मैं पहुंच गया हूँ, जहाँ पे तूने कहा था वहाँ पे तू नहीं खड़ा भाई, अब मुझे पता ड्रामे कर रहा है ना भाई। लोकेशन भेज रहा हूँ, लोकेशन जल्दी भेज, मैं वहाँ पे खड़ा हूँ तुझे पता है। अब तू झूठ बोल रहा है मुझसे, मैं आ रहा हूँ भेज रहा हूँ। कहता लोकेशन भेज रहा। चलो भाई लोकेशन आ गई, चलो जी पहुंचो।
सर जी आपका सामान आप तक पहुँच गया। पहुँच गया, तुम खुश है? हाँ जी, और पेमेंट भी आपकी, बड़ी शुक्रिया। इंट्रोड्यूस करवाइए कौन है। और ये तो पीछे वही है, ये तो पीछे वो डीके का बताया, ये पीछे। अब मैं बताता हूँ, ये चाचा जो है इसने डीके से भी गेम चला दी है। क्या मतलब? चाचा जो है ना, चाचा ने जो डीके था ना, इसको माल डीके ने यहाँ पहुँचवाना था। अब चाचा मेरे से डायरेक्ट हो गया था। चाचा ने कहा था, गबरू तू सामान लेके मुझे वापस ला के देगा तो मैं तुझे 40% दूंगा। इधर आगे करो, इसको आगे करो। चाचा इस बात का उसको पता क्या? नहीं पता, मुझे पहले ये बता, क्योंकि अगर पता है तो रेडियो जो खड़वाने के लिए सारे के सारे यहाँ पे, जो तुम लोगों ने हरकत इस वक्त। पागल हो क्या तू बहन? तू पागल हो गया? एक बात कर, देख अगर उसको तुमने बताया ना तो देख लेना। डॉक्टर साहब, कहने का मकसद ये है कि अपने ही सांप निकलते हैं, समझ रहे हो? हाँ जी, ये तो तुझे मैं समझा रहा था कि निकल उस टाइम वहाँ से। पैसे के लिए कुछ भी, पैसे के लिए कुछ। चाचा अगर ये तुम कर सकते हो, एक और चीज नहीं कर सकते मेरे लिए क्या? बोलो। वो जो लड़की है सेक्रेट के नाम की, देखो पैसे पैसे से सब होते हैं। मतलब अगर आप धोखा दे सकते हैं उस मतलब। कितने साल की वफादारी थी आपकी डीके के साथ? डीके ही मेरे साथ थी, मेरी उसके साथ। अरे 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 अरे, बड़ी बात करती, बड़ी बात। कितने अरसे की थी? मेरा भतीजा काफी बचपन से ही मेरे साथ, लेकिन पैसों के लिए मैं अपने को भी मार देता हूँ। उसका जो बाप था ना डीके, उसको मैं नहीं मरवाया। बात करने का ये मकसद है कि अगर तुम उनको धोखा दे सकते हो तो। भाई आपका नाम क्या है गाड़ी वाले? मेरा नाम है बड़ा माउंटेन खान है। माउंटेन? हाँ। माउंटेन भाई, अगर वो उनको दो नंबर की कर सकता है उनके साथ, ये देख लो कोई उनको किसी का नहीं है। तो मैं मुंह पे कह रहा हूं भाई, जो हमसे दो नंबर की करेगा हम उसकी में कलेक्शन को डाल देगा। मुझे आपका एटीट्यूड पसंद है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि माउंटेन खान सिर्फ अपनी बातों पे ना चले, बाकी काम करके दे। हमें जय भाई ने बोला था कि इनके पास पहुँच के इनसे पेमेंट ले लो, पेमेंट आप लोगों की आ गई और हमने आपको सामान भी दे दिया। जी जी मैडम, मुझे ये बताएं कितने पेमेंट हुई है ताकि हमें पता लगना चाहिए। हमने इनको 400 मिलियन दिया। 400 मिलियन कैश तो नहीं हो सकता इतनी बढ़िया अमाउंट ट्रांसफर। हमने इनको सेंड किया, ट्रांसफर किया, उसको देखो माल सारा सही है ट्रक में, देख लिया आपने? हाँ सही है, सही है, इसको हम पहुँचाएगा। इसमें चाचा का कट कितना है? इस दो नंबर में अपना है, सब अपना है। इसमें चाचा क्या फायदा, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो मेरी बात, जब जानी समझ, मुझे कोई पैसे नहीं दिए, आप झूठ बोल रहे हैं। गाली 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 निकाल यहां से, बात बात बात। वो खान को उसने इसलिए मरवाया है, जिसने भी मरवाया है, ताकि कोई बात करने वाला ना हो आगे। बैंड गाड़ी लगाओ साइड पे। गावा का मुझे मैसेज आया, और कोई हुक्म भाई के लायक? क्या मतलब? एक सेकंड गावा, मुझे तेरे मैसेज का समझ नहीं आया, मैं समझना चाह रहा हूँ क्या मतलब। यार कोई गलत मतलब थोड़ी था, वही जो पहले काम हो गया, अब दोबारा कोई काम है तो हुक्म करो, ये बात थी बस। कैसा काम? तूने क्या किया हमारे लिए बता? से पहले याद आई तेरे को मेरी, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। जो काम किया वहाँ एयरपोर्ट पे वो कह रहा हूँ। तूने बोला और कोई हुक्म, तूने क्या किया वहाँ पर जो तेरे को कवर दिया? कौन सा कवर दिया तुमने? हम तो वहाँ से भाग गए। वो तुम लोग भागे ना, हमने तो वहाँ लड़ते रहे पीढ़ी से। देखो अगर तुमने वहाँ पे कुछ किया होता तो हम शेरों की तरह वहाँ पे डटे रहते, ठीक है? तुमने कुछ नहीं किया तो वो तो अब तुम्हारी वो फितरत है ना, मैं क्या करूं? फितरत की बात नहीं, देखो अगर कॉल तुमने मुझे इसलिए किया कि तुम्हारा अब हिस्सा क्या है इसमें, कुछ नहीं है बेटा, ठीक है? काम करोगे तो कुछ होगा मेरी जान। अगर तो वैसे हेलो हाय के लिए कॉल किया। हाँ चलो आगे बोलो मेरी जान। देखो हिस्से की बात तो मैंने ना तब की थी ना अब कर रहा हूं। नहीं मैंने कहा इस नियत से तुमने मुझे कॉल की है तो हिस्से की जरूरत नहीं है मुझे मेरी जान। और ये जान जून कहना बंद करो, मैं किसी की जान नहीं, ठीक है? फिर मैं कब करता हूँ सर? आप सब ठीक है भाई? क्या मसला क्या है मुझे? कफ खोलो ना, कफ तो खोलो। मिस्टर जे, यू आर अंडर अरेस्ट फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग, पब्लिक टेररिज्म, एंड क्या कहते हैं, शहर के अंदर टेररिज्म फैलाने के जुर्म में हम आपको अरेस्ट करते हैं। आपको बताया किसने है कि यहाँ पे ये चल रहा है? आपको लोकेशन किसने दी है? अपने धोखा देते हैं, लोकेशन सेंड कर दी है। हम आपको यहाँ पे कुछ भी बताने का हक नहीं है, ठीक है? आपको हमारे साथ पीडी के प्रेमिसेस में चलना पड़ेगा और कोऑपरेट करना पड़ेगा बिल्कुल लीगल प्रोसीजर के साथ। मैं बिल्कुल लीगल प्रोसीजर लूंगा, लेकिन पहले मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे खड़े खड़े हो मुझे बताओ कि तुम्हें बताया किसने है? मुझे लगता है तुम्हें गलत फहमी हुई और कुछ नहीं। मैं अब आपको चीज बताता हूँ। पिछले आधे घंटे से ना, जब आप सैंडी शोर एयरपोर्ट पे खड़े थे, आपका फोन सर्वेलेंस में था, पता है आपको? इस बात जो डीके के साथ आपकी कॉन्वर्सेशन हुई है वो हमारे पास पूरी रिकॉर्डिंग है उस चीज की। नहीं तुम तो ये फिर कहना चाह रहे हो कि मैं पूरे शहर में कहीं भी किसी तरह बात किसी से कर ही नहीं सकता? आपने जब पब्लिक एयरपोर्ट पे शूट किया है तो हमने जियो लोकेशन के थ्रू जितने भी बंदे वहाँ पे आए उस टाइम घुसे हैं उन सबको ट्रेस किया है, जिसमें आप थे, सही है? और उन सारों को सर्वेलेंस में लिया और उनको तब से हम ट्रेस कर रहे थे। तो भाई मैं अकेला थोड़ी था किसी भी काम में, मेरे साथ बंदे
बंदे हैं उनको भी पहुंचा के यार। आप बहुत बंदों को पकड़ा है, 15-20 बंदे अरेस्ट हुए हैं, आप भी हमारे साथ चल रहे हैं। जिस गाड़ी में से अभी तुम लोगों ने मुझे उतारा है टांग पे गोली मार के, मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें और भी लोग मुलव्वस है ना, फिर उनके भी हार्ट अटैक हो जाएगा। अभी तो आप मिल गए हो ना, अभी तो आप चढ़ गए हो ना हाथ में, आप चढ़ गए हाथ में, अभी चलना पड़ेगा आपको। सिंपल सी बात, कहने का मतलब है ये ऑब्वियस हमेशा मेरे पे क्यों आता है। आप खड़े थे, वो गाड़ियां बैठे हुए थे, जो बंदा फुट पे था हमने उसको टेक डाउन किया, उनको भी टेक डाउन किया, टायर पे शूट किया। थोड़ी सी दूर होंगे, पकड़ लेंगे थोड़ी देर में उनको भी। आप हमारे साथ चलना पड़ेगा, आपको एक काम करो पहले उनको पकड़ो, ठीक है? ऐसा ही काफी। चलो वॉइस लेस यार, आपके जरिए से जैसा बाकियों को ही पकड़ेंगे ना। अगर मदद मांग रही है मुझसे, एक तरीका है, हथकड़ियां लगा के मदद मांग रहे हैं। मदद आपसे नहीं मांग रहे, आपके लीगल प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। आप चलें, गाड़ियां उठाओ, डालें बैठाओ, कर डालें जल्दी से। देखो बात सुनो, मेरी बात सुनो, गलत, ये तो फिर बदमाशी है। पुलिस सही कहते हैं बदमाश है आज, क्या नहीं गलत बात। माना कि तुम यार हो गबरू के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम आपको सच का भी साथ दिया करना। मेरी सब्र तो करना, हम जाने पीडी जाते हैं, बैठते हैं आराम से, लीगल प्रोसीजर फॉलो करते हैं। पता है हम लोग पीडी लेके जाते हैं जिस बंदे को, उसके साथ कुछ बुरा नहीं करते हैं हम लोग, उसको प्यार से बैठाते हैं। समझ रहा बात, ये सीन है। मैं कैसे हो सकता हूं मेरी जान, तू मुझे बता ही नहीं, तुमसे खुल के बात ही नहीं कर रहा। गाड़ी के अंदर जूनियर ऑफिसर्स भी हैं, समझ बात को। मैं जब वन टू वन रूम में लेकर जाऊंगा, मैं तेरे से सारी बात कर दो, कॉन्फिडेंशियल चीजें कह रहा हूं कि ये सारी बातें एक कमरे में लगती हैं, समझो बात। एक कमरे में क्या लगती है, मुझे पैसे मांगो तो मुझे पता तुम्हारी नेचर का, छोड़ दे यार बस। देखिए जैसा मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट, एनीथिंग यू से कैन बी यूज्ड अगेंस्ट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। गए भाई, हाँ बहुत खूब, आंखें खुल गई मेरी। ये सीन ये है कि जो सेल में जो बंदा है, इसका नाम है मिकास इस्माइल, द मोस्ट वांटेड ड्रग ट्रैफिकर, जो मेक्सिको से ड्रग्स ट्रैफिकिंग करते हैं लॉस सैंटोस में। अब देखो मेरी गेम देखो, इनकी स्टेटमेंट के मुताबिक इनकी इन्वॉल्वमेंट थी सिर्फ आपके साथ। इन्होंने आपकी हेल्प ली ड्रग ट्रैफिक करने के लिए और अपने सामान को अपने तक पहुंचाने के लिए, इन्होंने सिर्फ आपकी हेल्प की। और ये कह रहे हैं सिर्फ इसी बंदे का सारा हाथ। बोलने दोगे सेल में आ जाओ, उसके साथ बोलो। सेल में नहीं, मेरी बात यहाँ पे खड़े होकर सुनो, एक सेकंड। शट अप, सेल के अंदर दरवाजा खोलो। ये पहली बात है, ये कौन, मैं इसको जानता नहीं। अब एक कोई भी बंदा उठ के आएगा, वो ये कहेगा कि जेरे हमारे साथ डील की है। कौन सी डील हुई है, किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। आपको किसी ड्रग डील के बारे में नहीं पता? मुझे कुछ नहीं पता यार। अभी जो आपने मुझे गाड़ी में कहा है कि ड्रग डील्स होती हैं, आज मैं मुलव्वस हो गया हूं तो मुझे पकड़ लिया, मेरे से लेन देन की बात नहीं। तब मैंने बोला, अभी थोड़ी देर पहले बोला, गाड़ी में बॉडी कैम लगा होता है, वो सारी चीज रिकॉर्ड होगी। मुझसे निकल गई होगी बात, लेकिन मैं इस बंदे को मैं नहीं जानता। अगर मुझे प्रूफ ला के दे देंगे कि वाकई हमारी कोई डील हुई है, मैं मानने को तैयार। लेकिन अगर कोई भी रैंडम बंदा उठ के शहर में आ जाएगा मेरे ऊपर केस बना के, आप उसको हाँ में हमला देंगे? जो आप हिल के पास खड़े हुए थे जगह पे, उसी जगह से हमने इनको अरेस्ट किया और हमारी नजरों के सामने क्या कहते हैं येलो बराबर बैठ के, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये भी वहीं पे थे, आप भी वहीं पे थे। जी आप लोगों ने जहाँ से पकड़ा है मैं वहाँ था। ये पहाड़ी, ये कौन है, मैं कुछ नहीं जानता भाई। वो आपने उसको भी गलत बंदा देखा होगा, या आपको किसी ने अगर खबर दी है मेरे बारे में तो वो गलत ही दी हो। तो जैसा वो जो बात कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उसको किस तरह क्लेरिफाई करेगा? कॉन्ट्रैक्ट को प्रूफ ला के दिखा दे, मैं मान लूं कौन सा कॉन्ट्रैक्ट। एक सेकंड यार, एक सेकंड कॉल मिनिस्टर साहब की। जी सर बोले। चले मैं ठीक है, जीगाना साहब के हवाले कर रहा हूँ जी साहब को, बाकी जो अपना इस्माइल साहब है उनको हम अपनी कस्टडी में इन्वेस्टिगेट करेंगे, सही है? ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जीगाना साहब आप ले जाए इनको, सही है? इनको बाहर स्कॉट आउट करवाते हैं। बाकी आप इनको ले जाएं और वो जो आपकी फुटेज आई है उस पे हम बाद में बात करते हैं पर्सनली, सही है? कोई भी बंदा ऐसे जो है किसी के खिलाफ बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास, उसको प्रूफ लाके दे, दिखाए मुझे चीज, दिखाए अभी, दिखाए अगर है इसके पास, ये बात गलत है। और आपने उसकी बातों में आके बात मान लिया, सही बात है? आप जिगाना साहब के साथ जाएं, हम इनसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। देखिए जानी साहब, कॉन्ट्रैक्ट इनके सामने हुआ था और साइन ना गबरू साहब के हैं। गाली नहीं, ओ गाली नहीं, गाली नहीं, गाली आराम से मर जाएगा। जैसा आप निकल जाएं, आप हमारी कस्टडी। अब मैं इनसे अब थर्ड डिग्री इन्वेस्टिगेशन करता हूं। अब ये आप बेहतर जानते हैं कि कानून आपने किस तरह लेना है। जगना साहब क्या हेलो क्या हुआ है, ओए क्या हुआ, एक सेकंड रुको रुको, मुझे पकड़ा क्यों है, हुआ क्या, मसला क्या है? देखिए सर, यू आर अंडर अरेस्ट फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग। ना 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 ना, एक रुको रुको रुको, पहले मुझे भी लेके आयो ना, गलत निकली ना बात। नहीं ला, नहीं आप जा रहे हैं, जानी जानी नहीं, मैं ये करने नहीं, हमने इन्वेस्टिगेशन। ओ भाई आप तो आ रहे हैं, जैसा तरह जो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है ना, एक आपने कौन सा, अच्छा फिर मैं नहीं लेते। हां यार वो बात नहीं है भाई ना, आप बच रहे हो तो चलो, मैं समझ रहा हूं बचने की बात नहीं, यार भी तो है ना उसको, हम कैसे यार यार बात सुनी जरा, तू क्या कर रहा है? मैं गबरू को इसलिए वहां से नहीं बचा रहा था कि मैं यार मैं पैसे की वजह से निकलवाना था उसको। अब करना जो भी है वो हमने बाहर से करना, अंदर से कुछ नहीं कर सकते। मैंने तुझे निकलवाना था, मैंने तुझे निकलवाया, मुझे क्या पता था गबरू को अंदर ले आएंगे वो लोग। मुझे लगा तूने वाकई रिजाइन दे दिया आर्मी से। ना ना ना, मैं यही कहने लगा था जितने मजे आर्मी में आजकल है, कोई कैसे रिटायरमेंट। अब सीन ये कि गबरू को हमने वहां से हर हाल में निकलवाना है, मुंह ना खोल दे क्योंकि कुट उसको पड़ेगी, मुंह वो खोलेगा, पैसा भी उसके पास,
पास है, तो कल को अगर उसने ये कह दिया जानी को कि भाई तू मुझसे ले ले जितना भी लेना ठीक है ये बात है, लेकिन जे को ना पता कुछ भी हो सकता ना कल को पैसा नहीं अगर लग जाएंगे ठीक है। अब मुझे बताओ करना क्या। देख मिनिस्टर से एक बंदे को ने कहा कि एक बंदे को मैं तो निकलवा लिया, अब मैं उसको कैसे यार, या तो फिर जंग ही है। फिर मार्शल लॉ का प्रोसेस क्या है और उसमें होता क्या है मुझे थोड़ा सा जरा बताओ। मार्शल लॉ का प्रोसेस तो ये होता है कि सारी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो होती है डिसॉल्व। शहर में हर तरफ आर्मी हो जाती है, जो भी सारी गवर्नमेंट होती है सारी होती है डिसॉल्व, जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सारे हो जाते हैं बंद। और पहले इसको आपको अपने जो भी रोडे वोडे या आप लोगों को करवाना पड़ेगा, हमले होने होंगे, रोडे बंद होंगी। इसमें पुलिस का क्या अमल होता है, पुलिस बीच में इन्वॉल्व? पुलिस खत्म हो जाती है ना, पुलिस मेरे अंडर आ जाती है, सारे जो भी ऑफिसर्स होते हैं मेरे अंडर आ जाते हैं। देखो आईडिया मैंने तुम्हें दे दिया समझदार, बाकी तुम कॉल आ रही गबरू की सेल में से, मैं कॉल उठा ली यार जे, यार उन्होंने सब पैसा मेरे अकाउंट से ट्रांसफर करा लिए जाने में। ऐसे हो नहीं सकता, उसने सारी मेरी चेक करवाई है, सब वो अकाउंट फ्रीज किए मेरा देखा है और सारे मेरे पैसे ले लिए। जानी ने मुझे आज ये बोला था कि वो किसी के अकाउंट पे जो है वो इस तरह नहीं कर सकता। अरे भाई कर दिया ना, मैंने कबूल कर लिया, तू समझे बोला तू छोड़ दूंगा। क्यों किया कबूल? मैं कहा ठीक है, तू भी चला गया ना मुझे कौन छुड़वाएगा। आराम से बात, तुमने इतना ज्यादा 400 मिलियन के बदले में तुमने बैन कर दिया सब, पागल तो दिमाग सही है यार। मैं क्या करता, मुझे अपनी आजादी प्यारी नहीं है, मैं आजाद ना हूँ, मैं तू तो चला गया मैं कैसे बाहर आऊंगा। टीकू को क्या बोलना है, पैसा जानी के अकाउंट में? अब मुझे नहीं पता भाई, मैंने तो दे दिया उसको और अब मैं वो जो डील बना रहा हूँ। तुमने ये तो नहीं बताया जानी को जगाना भी इन्वॉल्व था? मुझसे पूछा जगाना का तो मैंने बता दिया। सुने अब तुझे अपनी भी बचानी है एज अ आर्मी चीफ शहर, जानी तेरे खिलाफ जाएगा क्योंकि गबरू ने उसको बता दिया कि जगाना बीच में इन्वॉल्व है। अब तूने अपना नाम इस चीज से कैसे निकालना है, तूने अपने आप को डिफेंड किस तरह करना है, ये तेरे हाथों में जगाना है। इस वक्त अगर मार्शल लॉ ना लगा शहर में, ईडी के साथ जितने डिपार्टमेंट्स कनेक्टेड हैं ये सारे तेरे खिलाफ हो सकते हैं और तुझे तेरी पोस्ट से हटा सकते हैं। जगाना साहब ये हेडलाइन क्या चल रही है? अबे यार खुश हो, मेरी जान तुम्हें डर किस चीज का, अगर पॉसिबल ही नहीं बात कोर्ट तक लेके जा रहा है ना, उसने बोल दिया ना। अगर तू मेरे साथ थोड़ा पावर में रह के चलेगा ना, मैं भी अपने आप को पावरफुल समझूंगा। अगर तू यहाँ पे ढीला हो जाएगा ना, मैं कहूंगा जगाना प्रॉब्लम वही आ रही है ना कि अब दो हेडलाइन चल गई है, मैं हो गई इज्जत की, मेरी माँ हो गई ना खत्म हो गई बात। तुम्हारी यहाँ पे बेइज्जती हुई है मीडिया के सामने इस हेडलाइन चल गया, लेकिन इसके ऊपर अमल नहीं हो सकता, तुम्हें भी इस बात का पता है। कहीं ना कहीं अपनी भी गलती है लेकिन ऐसे हो नहीं सकता। आद ऊपर जगाना साहब रुक जाए जगाना साहब कम ऑन। ना ना जानी नहीं ना कर, जे चला जा मत कर। देख मेरी बात सुन, गोली ना चलाई मुझे गोली मार दे, मत मुझे मार दे, ना कर। ऑफिसर प्लीज जगाना साहब को कफ लगाओ और इनकी सबसे पहले पाकिस्तान का झंडा और इनकी वर्दी उतारो, इनके नीचे सेल में जाके थर्ड डिग्री दो। थर्ड डिग्री सर इस तरह नहीं दे सकते, थर्ड डिग्री इस तरह नहीं होता। आर्मी चीफ है, पूरी फुटेज आ गई है और ऊपर स्टेट मिनिस्ट्री से ऑर्डर है ठीक है, तो अभी आप हमारे साथ चले, लेट्स गो। कैसा आइडिया जानी साहब? मैं करना नहीं चाह रहा। तेरे हाथ में भी गाना, मरेंगे दोनों, मरेंगे दोनों, मरेंगे ट्रिगर मारेंगे, मैं मान सकता हूं। कोई मसला नहीं, अब यहाँ से तुम चले जाओ, दोबारा गन ना एम करना चाहिए। मुझे एक बात का जवाब चाहिए और झूठ नहीं बोलेगा तू। मुझे तूने बस ये बताना है कि गबरू ने कितने पैसे खिलाए। पैसे? एक रुपया भी नहीं, तू कसम खा यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोई अमाउंट नहीं दी। क्यों कसम खाऊं, मेरे ऑफिसर्स खड़े मेरे साथ, यू नो आई एम अ सीनियर ऑफिसर, आई डोंट लाइक करप्ट पीपल, यू सी दिस इज अ करप्ट गाय, दिस इज, यू सी What happened to him? He's corrupt नहीं है। अब जानी मेरी छोटी सी बात सुन लोगे ना, तो गबरू के कहने पे ये यहाँ पे आया है, वरना एक आर्मी चीफ वो भी पाकिस्तान की आर्मी का इतना इज्जतदार ऑफिसर वो कभी भी ये काम नहीं कर सकता। अल्लाह की कसम मुझे गबरू ने कुछ भी नहीं दिया। अगर इसने कोई गलती की है तो उसके पीछे कोई चीज है। अभी देख तू मेरी बात सुन, आज मैं एफएबी चीफ हूं, कल को मुझे अगर ये मैं केस सबमिट करता हूँ न्यूज में जाता है। असली बात, आर्मी चीफ ने एक हीरोइन की ट्रेड में आर्मी चीफ को एफआईबी ने अपनी इंटेलिजेंस के साथ पकड़ा, उसको अरेस्ट किया, प्रोसिक्यूट किया कोर्ट में, उसका कोर्ट मार्शल सेल्फिश हो। कल को मुझे स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री में जॉब मिले, मेरे पास एक मेंशन हो अपना, दो मेरे गार्ड हो वर्दी वाले, जो मुझे हर कोई अपना सोच रहा है, हर कोई अपना सोच रहा है। तो आई एक्चुअली हैव टू डू दिस। चलो बॉयज लेट्स गो, इनको अंदर लेके चलो, इसको लेट्स गो, चलो चलो लास्ट बात करते हैं जैसे। हां बोल बोल, ख्याल रखो बस अपना। चलें बहुत लंबी हो गई, चलें। इसके कपड़े उतरवाओ, डंडे लाओ, इसका रिमांड स्टार्ट करो जल्दी से, लेट्स गो। हरामखोर, हां जी मुझे इन्होंने बहुत मारा है, बहुत ओवर एक्टिंग हो गई मेरी जान। हरामखोर इंसान, बगैरत है भाई, तू तो बहुत बड़ा, तू पागल है जी, मुझे सब बता। तुझे अपने दोस्त पे ट्रस्ट नहीं है, ये एक्टिंग बहुत पुरानी हो। जगाना को अंदर ले गए गबरू, अगर जगाना को अगर कुछ होता है ना, ये देख लें उसकी जिम्मेदारी तेरे पे।
डीके से मिलना, दरवाजा खोलो। हाँ जी डीके साहब, कैसे हैं? मैं ठीक ठाक, आ गए तुम? तुमने ये नहीं देखा मैं आ तो गया लेकिन मैं खेला आया। तुझे मैंने बात बोली थी, मेरे साथ मिल जा। नहीं लालच? डीके बात पता क्या, यहाँ पे तेरे साथ जो देख वो जो बंदा था तेरा, ताया तेरा, तेरे ताए ने तुझे जो है दो नंबरी किया तेरे साथ, जिस बात का पता इल्म है आज हवालात के पीछे। हाँ जी मेरे साथ अभी कोई नहीं है यहाँ, जिसके पास पैसा वो गेम करके, और ऐसा नहीं बंदा है हमारे साथ जो आर्मी चीफ मिला हुआ था यहाँ पे। तुम लोग ने आके बताया, इतनी बातें कर रहे तो आर्मी चीफ है, हमारा काम है हम जैसे भी करें। नहीं मुझे क्या पता था बीच में सांप निकलेगा, मैं क्या कर सकता। गबरू ने पहली बात है 200 मिलियन सस्ता तेरा माल भी ब्लैक मार्केट में बेचा है, पैसा भी अपने पास रखा हुआ है, और जानी के जरिए जो है सिगाना को भी अंदर किया हुआ माल बेच दिया उसने। जी हाँ, और ब्लैक में बेचा है, वो भी सस्ते में बेचा है कसम से। और जब हमने उसको बोला कि भाई डीके के साथ ऐसे ना कर वैसे ना कर, आगे से हमें एक नई गेम फिट कर रहा था मेरे सामने, डीके भाई बड़ा पावरफुल बंदा है, मार देगा ये कर देगा, कहता है मेरे बेचारे डीके तुझे कहीं से पैसों की उम्मीद नहीं है, हर कोई तेरे साथ साथ छोड़। ये बात नहीं है, आज मैं खेलूँ वापस तेरे पास आ गया, मैं तुझे ये कह रहा हूँ तेरा पैसा उसके पास है, मुझे परवाह नहीं है, तूने रिकवर करवाना है करवा ले। मैं ये कह रहा हूँ कि गबरू की वजह से तेरा पैसा भी डूबेगा, सही लोग भी अभी अंदर गए हैं। अगर उसने पैसा ट्रांसफर कर दिया तो जानी के अकाउंट से पैसा कोई रिकवर नहीं कर सकता, ये बात मेरी लिखवा ले। तो इससे पहले ये ट्रांजेक्शन हो तो कोई एक्शन ले। यहाँ पर उस वक्त बात बोली थी मेरे साथ मिल जा मत कर, तूने कल मेरे पास फिर आना है, और वो कल से पहले ही आ गया मैं। हाँ किंग बोल रहे मुझे ऊंचा नहीं बोल सकता, इसे ऊंचा नहीं बोल सकता, मैं साइड में कोने में कर रहा हूँ। हम तीनों को ये सेंट्रल जेल लेके जा रहे हैं और गबरू को एयरपोर्ट में एस्कॉर्ट कर रहे हैं। ना ना ना, ना। गबरू अगर चला गया तो समझो पैसा भी चला गया, और अगर पैसा चला गया तो डीके सुन, डीके हमें नहीं छोड़ेगा, हमें हेल्प चाहिए। हम पहले बचा सकता है तो हमें बचाओ, उसके बाद मुझे पता है कौन से एयरपोर्ट पे लेके जा रहे हैं उसको। पहले ये कंफर्म कर, पैसा उसने जानी को ट्रांसफर कर दिया कि पैसा उसी के पास है, ये किसी तरह बात निकल। पैसा गबरू के पास है, गबरू कह रहा है मैंने अपनी ना भी है, मैंने सारी कैश निकलवा के इस मुल्क से निकलने। अच्छा अच्छा वो तो चला ना, हम किससे कर लेंगे ना 200 मिलियन, तो जब मुंह पे आएगा तो सब कुछ निकाल लेंगे पैसे। टाइम कम है हमारे पास, अच्छा टाइम कम है ठीक है, बातों का टाइम नहीं है, एक्शन का टाइम। ये लास्ट कॉल है, जानी और गबरू दोनों भाग रहे हैं। जानी और गबरू दोनों कहां भाग रहे हैं? तुम्हारे घर भाग रहे हैं। तू पहले हमें फेडरल जेल से बचा ले। किस गाड़ी में पेट्रोल है? जेल से बचाएंगे तब तक लेट हो जाएगा, जहाज पे निकल जाएंगे, बसों पे लेके निकलेंगे, उसके बाद पहले उन्होंने कैश निकालनी है ठीक है। अभी सिचुएशन ये कि सेंट्रल जेल जा रहे हैं, वहां से उन्होंने रास्ते से पैसे भी निकलवाने ठीक है, आधे आधे करके जो है फिर वो जहाज में फरार हो जाएंगे। इससे पहले सब कुछ हो हमने उनको ट्रकों से रिहा भी करवाना है, अपने दोस्तों को निकलवाना है, और ये ट्रांजैक्शन होने से उनको रोकना है। आर्मर्ड गार्ड्स हैं तुम्हारे पास, गोलियां ना अंदर बजे कुछ है? ये इस घर पे नहीं है मेरे पास। लड़कियां क्या है मतलब के? हाँ। शॉटगन है। क्या शॉटगन है आपके पास? ठीक है, वो कह रहे निकल चुके हैं, हम निकल चुके हैं, रूट पकड़ो वहाँ का, हाईवे का रूट है। लड़कियाँ मेरे साथ बैठे, मुझे थोड़ी जरा तवानाई मिले। तू आगे बैठ, लड़कियाँ दोनों पीछे बैठी। अच्छा ठीक है। हाँ ये तो खाली ट्रक जा रहा है, यही है यही है यही है, लेके चलो सर पीछे हो जाए। मत मत मत, साइड पोस्ट दिया पूरा छेप। या क्या क्या सबर करो, तुझे लिफाफे की पड़। बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ, बार 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 गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, लड़की दफा जो आराम से मारना नहीं है बैंड। बच्चिया उड़ के जा रही है इतनी प्यारी प्यारी, ओए मारना नहीं मेरी जान, मारना वो गबरू 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 मारना, नीचे नहीं देना, नीचे नहीं देना, जहाज में नहीं जाने देना, जहाज में नहीं बैठ, जहाज में नहीं, नीचे उतर जा, ओए जहाज के अंदर कोई नहीं जाएगा। ना 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 ना, बाहर आओ बाहर आओ, अपनी गाड़ियां पीछे करो, सारी अपनी सारी गाड़ियां पीछे करो। अच्छा बात सुन, इसमें पैसे जो हम डीके को देना चाहते थे उसको मिल चुके हैं, हमारे सामने दोनों आ भी गए हैं। अभी ये देख के पैसा किधर है, इनको आपस में लड़ना चेक करना पड़ेगा, ये गाड़ी में ना हो। डीके का साथ मैंने इसलिए दिया है ताकि मुझे ये नहीं है कि गबरू को पकड़ो उसको पकड़ो, नहीं मुझे ये था पैसे का, पैसा रिकवर होना चाहिए। पैसा अभी किधर है फिलहाल? मैं बम लगाया हुआ है, मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा गबरू साहब, मैं मार दूंगा गबरू, मैं मार दूंगा। स्टॉप फायर, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, पहुंचो मैं आ रहा हूं, पहुंचो मैं आ रहा हूं, जाओ जाओ जाओ। हम बो रात ये कुत्ती के बच्चे, तू मेरे पे गन ताने का बहन, नहीं मारा ना, बम भी लगाया था चला भी सकता था, तो जा रहा किसी और पर जा रहा, मुझे लिखता अभी इनको तू किसी को भी मत लाइयो साथ अपने। हां हां, पैसा किसके पास है मुझे लिख। पैसा मैं तुझे बता रहा हूं, पैसा सारा मेरे पास है, प्लेन के अंदर उन्होंने ट्रांसफर कर दिया था। इस टाइम मैं हवा में ही हूं, मैं प्लेन लैंड करूंगा लेकिन तू सामने किसी को भी मत लेकर आएगा। नहीं मैं नहीं लाऊंगा, मैं नहीं लाऊंगा, मैं आ रहा हूं, मैं उसी लैंड कर रहा हूं। यार पकड़ा जाएगा ना, यहां पे डीके खड़ा मार देगा, मैं क्या बोलूं उसको। मैं लैंड कर रहा हूं आर्मी बेस पे, आर्मी बेस लोकेशन भेज, जल्दी आओ के साथ। मैं कॉल करने लगा हूं, बड़ा जरूरी कॉल है, लाउड पे नीचे गन से, इसके इसके हाथ ऊपर ही रखें जरा, कौन अभी आपको पता लगेगा जो भी है, आराम से खुल के बता। हाँ गबरू डीके सामने खड़ा, डीके साहब, जानी साहब, उसका हिस्सा मिल गया, मैं अपना हिस्सा लेके चलेंगे बस।
अब आप लोग देख लें क्या करना है जानी साहब के साथ। मेरा फर्ज था आप लोगों को बताना, अपना हिस्सा मैंने रख लिया अपने पास, उसके लिए मेरी तरफ से माफी है। किसी दिन आपसे मुलाकात होती है, इस शहर से मैं जा रहा हूँ। वो तो गया यहाँ से, रिकवर होना चाहिए। ठीक है मेरी जान, बात सुन। रुक मैं आया, रुक। मुझे बताओ भाई जानी साहब, मैंने जो ऑफर दिया आपको, मुझे बताओ कितने पैसे मिलेंगे मुझे? यार पैसे ऑफर ये गाड़ी दूर करो, गाड़ी दूर करो, ये गाड़ी दूर करो। मैं कर रहा हूँ ये इसमें भागेगा। कौन बैठा हुआ है? अरे भाई तू क्यों टेंशन ले रहा है यार, तेरा भाई जिंदा है, तेरे साथ है। क्या हुआ, क्या है? तू क्यों भागा है? ये लग रहा है मैं तेरे साथ करूंगा। अरे मैं भाग कहाँ पे रहा हूँ, तू पागल हो गया? मैं आ रहा हूँ मेरी जान, पैसा लेके आ रहा हूँ, तेरा टेंशन क्या है? खबर कर, आ जल्दी आ, मैं खड़ा हूँ, यही खड़ा हूँ, आ जा तू, आ जा। मैं आ गया, इसके हाथ नीचे ना कराई। हाँ बोलिए, यही पर यही पर हाथ नीचे नहीं करा। चलो अरे बहन एयरपोर्ट से तो ले जाओ मुझे। आ रहा हूँ मैं इनके साथ, अभी वहाँ पे रहो, मैं आ रहा हूँ। उस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी थी, फटाफट मुझे उस वक्त डिसीजन लेना पड़ा। किधर है, किधर में? ये है एयर कैपिलर, एक डिपार्टमेंट सामने मेरे, पता नहीं बहुत बड़ी गोल सी चीज है, और एक ब्रिज बना हुआ है, वो भेज रहा हूँ जीपीएस आ जा। किंग एक सेकंड सबर कर, मुझे लोकेशन मिल गया था, मुझे पता जाने का मैसेज आया। सरप्राइज मत, वी आर कमिंग, मत जाएं वापस, ना जाएं, रिस्क भी है। लेकिन रिस्क ये भी है कि आर्मी भी साइड ना, वो सारे मिलके वो हमारी फिर चुप ले, गबरू भी उनके साथ ही है फिर। हां गबरू आ रहा हूं मैं, सबर कर। नहीं सुन मेरी, मैं निकल रहा हूं क्योंकि तेरे पे टाइम बिल्कुल नहीं है, तू अभी तक नहीं पहुंचा। वहां पर मेरे पीछे पूरी आर्मी लगी हुई है। मैं आ रहा हूं आर्मी, मैं बात करता हूं उस गाना से, सबर करना। कितनी देर में तू आ रहा है? 2 मिनट मेरी जान, मैं निकल रहा हूं। अगर सुन, अगर 5 मिनट में तू नहीं आया मैं निकल जाऊंगा, मुझे कुछ मत कहियो। 5 मिनट स्टार्ट हो गए अब से, ठीक है डन, ओके स्टार्ट, ओके बाय बाय। हेलो आज गाने किधर है? जल्दी बता, गबरू के पीछे जो आर्मी लगी है मुझे बताया, उनको पीछे करवा। उनको पीछे करवा वहाँ से फटाफट। ये कौन है? गबरू लोकेशन से गाना मांगे तेरी आर्मी के लिए, जल्दी बता, जल्दी बता। एयरबेस 213, एयरबेस 213, ओके बाय। एयरबेस 213 से जो है अपनी वो बंदे हटवाओ वहाँ से, टाइम कम है। तू जा मैं करवा रहा हूँ वो क्लियर करवा के, मुझे टेक्स्ट कर, मुझे मैसेज कर, क्लियर करके टेक्स्ट करो। आजा पीछे लैंड करवा लिया मैंने, पार्किंग में खड़ा हूं, पार्किंग में खड़ा हूं, एयरप्लेन पार्किंग, एयरप्लेन पार्किंग। ओके मैं कॉल कर रहा हूं गाने को। रुक 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 रुक, बैठ 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 बैठ, अंदर बैठो।